सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड ये है ना जावा की 42 क्लासिक लेजेंड। काफी बढ़िया लुक्स के साथ में गाड़ी आती है ये, और ये ना इसका टॉप मॉडल आप देख रहे हैं वीडियो में, जिसमें मैट फिनिशिंग मिल जाती है, डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है, और भाई डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ में सभी गाड़ियां जावा की आती है, जिसकी वजह से ना ये सेगमेंट में काफी अलग दिखती है और गाड़ियों के कंपेरिजन में। तो आज इस वीडियो में ना इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, इसके प्राइस, माइलेज, इंजन स्पेसिफिकेशन, मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ना इसके फ्रंट लुक से। ये देखिए इस गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी फ्रंट से। यहाँ पे ना इसका मीटर कंसोल प्लेस किया गया है, जो कि मतलब इस गाड़ी में ना वाइजर या फिर विंडशील्ड नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से। यहाँ पे इसका हेडलैम्प प्लेस किया गया फ्रंट में। हाइलोजन बल्ब के साथ में इसमें हेडलाइट दी गई है। 65x60 वाट का बल्ब मिल जाता है, और 10 वाट पायलट लैम्प भी इसके हेडलाइट पर दिया गया है। जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है, और भाई रॉयल इनफील्ड स्टाइल इसमें ना लाइट दी गई है। 10 वाट हाइलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर इसका दिया गया है। हैजार्ड लैम्प के साथ में आता है, मतलब इंडिकेटर इसका, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई एलईडी इंडिकेटर तो देना ही चाहिए था, कम से कम हेडलाइट नहीं एलईडी में दिए हैं तो इंडिकेटर तो देना ही चाहिए था। लेकिन अभी इसका इंडिकेटर भी आपको हाइलोजन बल्ब के साथ में ही मिलता है। इसमें डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, बाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, और मतलब 35mm के ना इसमें सस्पेंशन दिया गया है कवर के साथ में, जिसके वजह से ना ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मडगार्ड कुछ इस तरीके का दिया गया है। गैब्रियल का सस्पेंशन मिल जाता है। डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया इस गाड़ी में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ में ना इस गाड़ी का अलॉय व्हील दिया गया, जैसे आफ्टर मार्केट से लोग लगवाते हैं ना, बिल्कुल सेम अलॉय व्हील इस गाड़ी में दिया गया है। बात करें टायर सेक्शन की, तो भाई 90x90 18 सेक्शन का टायर दिया गया है फ्रंट में। मेटल में इसका मडगार्ड मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मैट फिनिशिंग के साथ में, और बहुत अच्छे तरीके से ना सेट किया गया इसके मडगार्ड को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलॉय व्हील कुछ इस तरीके का मिल जाता है। यह है इस गाड़ी का साइड लुक, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी साइड से। और भाई डुअल बैरल एग्जॉस्ट की वजह से ना इसका लुक्स काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पर इसका पासिंग स्विच एंड हाइलो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे ना इंजन किल स्विच, मीटर टॉगल करने के लिए स्विच दिया गया है, और हैजार्ड लैम्प इंजन स्टार्ट करने के लिए स्विच दिया गया है। और इसका सिंगल हैंडल में ये गाड़ी आती है। यहाँ पे इसका ब्रेक और क्लच लीवर प्लेस किया गया, आप देख सकते हैं। हैंडल बार भी मिल जाता है, जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है हैंडल पे। और बात करें मीटर कंसोल की, तो भाई इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, लेकिन इसमें ना आपको कोई भी कनेक्टिविटी के फीचर नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं देखने को मिलती इसके मीटर कंसोल पे। बाकी सारी लाइटें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, एबीएस लाइट और हाई टेम्परेचर लाइट, मतलब सारी लाइटें इसके मीटर कंसोल पे दी गई हैं। टाइम, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, मतलब सारी चीज़ें इसके मीटर कंसोल पे आपको मिल जाएंगी। काफ़ी फीचर पैक के साथ में आता है, बस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर मिसिंग है, बाकी तो सारी चीज़ें इसके मीटर कंसोल पे मिल जाती हैं। इसके फ्यूल कैप की फिनिशिंग ना काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। जावा मोटरसाइकिल लिखा हुआ मिल जाता है, 42 की ब्रांडिंग मिल जाती है, और भाई यहाँ पे भी ना थोड़ी सी ग्राफिक्स यूज़ की गई है, जावा लिखा हुआ मिल जाता है इसके टैंक पे। टैंक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग वाइज काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी का टैंक। और भाई इंजन कुछ इस तरीके का मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल इस गाड़ी में इंजन दिया गया है। ओरिजिनल जावा 1929 की बैजिंग मिल जाती है। पूरा इंजन आपको मैट फिनिशिंग के साथ में ही मिलेगा। यहाँ पे इसका सिंगल हॉर्न प्लेस किया गया है, और भाई रेडिएटर के लिए ना फैन भी दिया जाता है, जो कि मतलब इंजन को ठंडा करेगा, और काफ़ी बड़ा सा इसमें रेडिएटर दिया गया है। ये देखिए नीचे आप यहाँ से ना कूलेंट वगैरह डाल सकते हैं, और इंजन को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है, मतलब ताकि कोई आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करने में ना कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले, यहाँ से आप कूलेंट वगैरह डाल सकते हैं। बाकी रेडिएटर कुछ इस तरीके का दिया गया है। बात करें इसके इग्निशन बटन की, तो भाई यहाँ पे ना इसका प्लेस किया गया है, जो कि जैसे पहले अवेंजर वगैरह में देखने को मिलता था ना, बिल्कुल वही वाला सिस्टम इसमें दिया गया। डुअल की मिल जाती है जावा का, मतलब जावा लिखा मिल जाता है इसके कीज़ पे। बाकी इंजन कुछ इस तरीके का दिया गया, डायमंड फिनिश इसके इंजन पे की गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई इंजन को ना काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया गया है, कोई भी वायर वगैरह आपको नहीं दिखेगा बाहर से। यहाँ पे फुटरेस्ट ब्रेक लीवर मिल जाता है, और भाई मैट फिनिशिंग के साथ में ना इस गाड़ी का इंजन दिया गया है। जावा 42 लिखा हुआ मिल जाता है इसके साइड पैनल पे, और यहाँ पे भी ना ग्राफिक्स देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियर में ना ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है, गैस वाला सस्पेंशन इसमें मिल जाता है। यहाँ से आप इसका ऑयल चेक कर सकते हैं रियर ब्रेकिंग के लिए। और भाई ग्रेब हैंडल कुछ इस तरीके का दिया गया, छोटा सा ग्रेब हैंडल मिल जाता है।
कि इसका जो रियर फेंडर दिया गया ना वो मेटल में देखने को मिलता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी दी गई है। यहाँ पे वाइब्रे का ब्रेक कैलिपर मिल जाता है और गैब्रियल का सस्पेंशन दिया गया है। और इसमें ना 280mm की डिस्क ब्रेक दी गई है रियर में, जो कि काफी बड़ी है, और डुअल चैनल एबीएस के साथ में आती है गाड़ी। इसके अलॉय व्हील पे ना जावा क्लासिक लेजेंड 42 की बैजिंग मिल जाती है। 120x80 17 सेक्शन का टायर दिया गया है। इसी ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, डायमंड कट फिनिश के साथ में इसका अलॉय व्हील दिया गया है रियर वाला भी। और भाई रियर अलॉय ना इसका 1 इंच छोटा मिलता है फ्रंट के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे फुटरेस्ट वगैरह मिल जाता है आपको, मतलब पैसेंजर के लिए। सीट की क्वालिटी काफी अच्छी है, जावा लिखा मिल जाता है सीट पे। रियर लुक कुछ इस तरीके का दिया गया है, एलईडी टेल लाइट मिल जाती है इसमें। और भाई टायर ना काफी वाइड दिया गया है, एमआरएफ का टायर मिल जाता है। टायर की ना ग्रिप काफी अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप 40 से 50 हज़ार किलोमीटर भी इसके टायर को चला सकते हैं, उसके बाद तो आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा। बात करें टेल लाइट की, तो भाई कुछ ऐसी दिखती है इस गाड़ी की टेल लाइट। एलईडी टेल लाइट इसमें दी गई है, बाकी नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है एलईडी वाली, और नंबर प्लेट प्लेस करने के लिए जगह दी गई है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है रियर में। सीट की क्वालिटी काफी अच्छी है, और भाई इसके सीट पे ना बैक रेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिलता, जो कि मतलब थोड़ी दिक्कत होगी जो रियर में बैठेंगे, गिरने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी काफी मोटा सा स्विंग आर्म इस गाड़ी में दिया गया है। चैन एडजस्टर मतलब यहाँ पे दिया गया, आप अपने हिसाब से चैन भी एडजस्ट कर सकते हैं। और गैब्रियल का सस्पेंशन मिल जाता है, और ये सस्पेंशन ना एडजस्टेबल के साथ में नहीं आता है, यहाँ पे इसका फुटरेस्ट दिया गया है। और भाई एग्जॉस्ट इस गाड़ी का ना काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया, इसके साइड स्टैंड में 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है, जो कि मतलब इसके सेगमेंट में ना आपको किसी भी गाड़ी में 6 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। ओरिजिनल जावा 1929 की बैजिंग मिल जाती है आपको, और मैट फिनिशिंग के साथ इसका इंजन दिया गया है। बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो भाई 294.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल DOHC इंजन दिया गया है, जो कि 27.3 PS की पावर 26.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज गाड़ी आपको आराम से दे देगी। 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें दिया गया है, और कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का कम्प्लीट लुक। बात करें वारंटी की, तो भाई इसमें 2 साल या फिर 24,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाएगी, और 4 सर्विस फ्री दी जाएगी कंपनी की तरफ से। बात करें ना इसके डायमेंशंस के बारे में, तो भाई इस गाड़ी की लेंथ है 2071 mm की, विड्थ है 833 mm की, और भाई हाइट ना इसकी 1065 mm की मिल जाती है। सीट हाइट 788 mm की दी गई है, जो कि 5.5 या फिर 5 फुट के लोग भी ना इसको आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। व्हील बेस 1369 mm का मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस ना इसमें 165 mm की दी गई है जावा की तरफ से। टॉप स्पीड लगभग 135 to 140 किलोमीटर पर आर की अचीव कर लेगी, और 0 to 100 ना सिर्फ 11 सेकंड में ये गाड़ी अचीव कर लेती है, जो कि मतलब काफी कम टाइम है। लेकिन इसमें पावरफुल इंजन भी दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी इतना टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, और लुक वाइज भी ना ये गाड़ी काफी अच्छी लगती है। तो भाई बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 212,000 रुपए अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और मिनिमम डाउन पेमेंट आप 50 से 55 हज़ार रुपए देकर ना इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो भाई इतने प्राइस में आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बात करूं मैं अपनी, तो भाई काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये जावा की तरफ से, क्योंकि इसमें लिक्विड कूल इंजन दिया गया है 300 सीसी वाला, काफी पावर प्रोड्यूस करता है। डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट इसमें मिल जाता है, और भाई डुअल चैनल एबीएस के साथ में आती ही है। ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। बात करें निगेटिव की, तो भाई इसमें कोई भी एलईडी हेडलाइट नहीं देखने को मिलती, ना ही इसका इंडिकेटर एलईडी में देखने को मिलता है। बाकी इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल तो दिया गया है, लेकिन वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में नहीं आता, जो कि देना चाहिए था भाई। मतलब काफी कन्वीनियंट फीचर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लेकिन में वो भी नहीं देखने को मिलता। ये था मेरा मतलब रिव्यू ऑफ जावा 42 क्लासिक लेजेंड के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।